गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सर जॉन सोर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बंगाल के गवर्नर थे उनमें से सर जॉन सोर है, ये भी एक महत्वपूर्ण गवर्नर थे। इन्होंने भारत में कई प्रकार के कार्य किए थे जिससे कि मतलब यहाँ के लोगों को भी फायदा मिला और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भी काफ़ी सहयोग मिला था। तो देखिएगा सर जॉन सोर से पहले हमने जैसे कि गवर्नर बंगाल का गवर्नर क्लाइव है, हेस्टिंग्स है, कार्नवालिस है, इनके बारे में पढ़ लिया है। और मतलब जो भी गवर्नर और गवर्नर जनरल और जो भी वाइसराय बने हैं इन सब के बारे में हमने एक जगह इकट्ठा वीडियो भी हमने पहले बनाया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो देखिएगा जो सर जॉन सोर है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में मुख्य राजस्व सलाहकार था, ठीक है। और ये 1793 से 1798 ईस्वी के दौरान भारत का गवर्नर रहा और इसने राजस्व प्रशासन में कई सुधार भी किए। और जो सर जॉन सोर है ये कार्नवालिस के बाद भारत में गवर्नर बनकर आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर जॉन सोर है ये कार्नवालिस के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो देखिएगा यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज को लाइक और शेयर भी करें ताकि हम भी मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं सर जॉन सोर के बारे में, ठीक है। तो 1793 ईस्वी में जो लॉर्ड कार्नवालिस है ये इंग्लैंड वापस चला गया। अब देखिएगा कार्नवालिस के बारे में भी हमने 3-4 वीडियो पहले बनाए हैं, आप मतलब उनमें देखेंगे। तो कार्नवालिस के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास विषय से संबंधित जो भी एग्ज़ाम लगती हैं उनमें कार्नवालिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित डिटेल आपको वहाँ पर मिलेगी। और जो कार्नवालिस है इसके जाने के बाद सर जॉन सोर है ये ब्रिटिश भारत का गवर्नर बनकर आया था, ठीक है। और जो सर जॉन सोर है ये अहस्तक्षेप की नीति का अनुयायी था, ठीक है। और मतलब अहस्तक्षेप अर्थात जो भी यहाँ के राजा महाराजा थे उनमें इसने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था। और देखिएगा जब मराठों ने 1795 ईस्वी में निजाम के राज्य पर आक्रमण कर दिया तब उसने निजाम की कोई सहायता नहीं की थी, अर्थात अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर ने अपनाई थी। लेकिन अवध के संबंध में सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। अब देखिएगा सर जॉन सोर है इससे पहले कार्नवालिस ने अवध के नवाब आसफुद्दौला से ये संधि करी थी कि उससे 50 लाख रुपए वार्षिक से अधिक धन न मांगा जाएगा और नए अंग्रेजी सेना की संख्या में वृद्धि की जाएगी। लेकिन सर जॉन सोर ने इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। उस समय उत्तर पश्चिम से काबुल के शासक जमान शाह के आक्रमण किए जाने की आशंका थी। सोर ने नवाब से 5.5 लाख रुपया वार्षिक और अधिक देने के लिए मतलब जो भी कार्नवालिस द्वारा 50 लाख रुपये की जो शर्त थी उससे भी मतलब ये जो सर जॉन सोर है ये 5.5 लाख रुपये और ज़्यादा लेगा और इसके लिए इसने मतलब ज़बरदस्ती से इसको नवाब को बाध्य किया था। तो हम कह सकते हैं कि सर जॉन सोर है वैसे तो अन्य राज्यों के लिए तो अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया इसने, लेकिन अवध के संबंध में इसने इंटरफेयर किया था, ठीक है। और सर जॉन सोर के समय में बंगाल के जो यूरोपीय सैनिक हैं उनका विद्रोह हो गया था। इस समय सेना ने दोहरे भत्ते की मांग की, इससे डरकर जो सर जॉन सोर है इसने सेना की मांग को स्वीकार कर लिया और सोर की इस नीति से गृह सरकार नाराज़ हो जाती है, अर्थात जो ब्रिटिश सरकार है वह नाराज़ हो जाती है और 1798 ईस्वी में सोर को वापस बुला लिया गया। अब देखिएगा जब सर जॉन सोर मतलब ब्रिटिश वापस चला जाता है तो उसके स्थान पर लॉर्ड वेलेसली भारत का गवर्नर बनकर आया था, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने सर जॉन सोर के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे
मतलब आगे भी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं गवर्नर के बारे में, तो हमारा वीडियो आप ध्यान से देखें।